नेचर ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं डिफेंसिव हो जाऊं, मैं लाइक मैंने जो बनाया है मैं उसको लेके इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया हूं अब कि तू कुछ फीडबैक देगा तो मैं अपने गार्ड्स खड़े कर लूंगा और मैं तेरे को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी टेक फीडबैक द राइट वे। सो जब भी तुम खुद से कोड करते हो तो यार प्लीज हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचो। सिर्फ ये मत सोचो कि मेरा एक ऑनलाइन आईडी है, मैंने सबमिट किया और वो हो गया, दैट्स नॉट इनफ। हे गाइस, दिस इज अंकुश एंड यार आज की वीडियो में आई वांट टॉक अबाउट सेवन थिंग्स दैट टेक कंपनीज, जब हम DSL के राउंड के लिए जाते हैं तो वो लोग हमें किस बेसिस पे जज करते हैं, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर लुकिंग फॉर इन दोज इंटरव्यूज। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जानना, बिकॉज इफ वी नो वट वी आर गेटिंग इवेल्यूएटेड ऑन, अगर हमें पता है पहले से कि यार ये चीजें वो देखने वाले हैं तो हम इन चीजों का ध्यान रख पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज एंड तक देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्प करेगी तुम्हें इन योर प्रिपरेशन एज वेल एज द एक्चुअल इंटरव्यूज। बट प्रिपरेशन के दौरान भी हम इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इवेंचुअली इंटरव्यूज क्लियर करने के लिए। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई वॉन्ट स्पेसिफिकली टॉक अबाउट DSL इंटरव्यूज, डेटा एल्गोरिथम इंटरव्यूज में क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जिसको कंपनीज देखना चाहती हैं तुम्हारे अंदर। देखो एक चीज तुम्हें सबको पता ही है, सबसे पहली चीज जो वो तुम्हारे में देखना चाहते हैं दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर एक प्रॉब्लम आ रही है तो क्या हम उसके ढंग से सोल्यूशन सोच पा रहे हैं, क्या हम सोच पा रहे हैं कि यार इसमें क्या क्या एज केसेस होंगे, इसको कैसे मैं सॉल्व करूं, ढंग के मैं सोल्यूशन उसके ऊपर सोच पा रहा हूं। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स दैट दे आर लुकिंग टू सी, कि अगर तुम्हारे पास फाइनली जब तुम ज्वाइन करते हो किसी कंपनी को, तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम आई, तुम उसके ढंग के सोल्यूशंस विद कीपिंग इन माइंड ऑल द एज केसेस, ऑल द डिफरेंट सिनेरियोज जिस केस में गड़बड़ हो सकती है, वो सब कुछ सोच के तुम क्या अच्छे से काम कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो दैट इज द प्राइमरी थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉर। द सेकेंड थिंग दैट दीज कंपनीज आर लुकिंग फॉर इज, क्या तुम्हारे सोल्यूशन ऑप्टिमाइज है, क्या जो भी तुम सोल्यूशन बना रहे हो उसमें तुम सोच पा रहे हो कि यार ये अच्छा सोल्यूशन है या नहीं है, ये बुरा सोल्यूशन है, इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये सब थिंकिंग हमारे अंदर बहुत ज्यादा क्लियर होनी चाहिए। स्पेसिफिकली यहां पर वो लोग तुमसे पूछेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज ऑल अबाउट थिंकिंग द राइट सोल्यूशन, थिंकिंग द ऑप्टिमाइज सोल्यूशंस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिर से, बिकॉज देखो तुमने सोल्यूशन दे दिया बट वो अच्छा नहीं है, वो स्लो है, तो दैट इज स्टिल बेटर देन नॉट गिविंग अ सोल्यूशन। एटलीस्ट दे तो दिया, कुछ तो दिया, बट अगर तुम उसके ऊपर और वर्क करके और अच्छा सोल्यूशन निकाल पाते हो, तुम ऐसा सोल्यूशन निकाल पाते हो जो कि एक्चुअली फास्ट भी होगा, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये तुम्हारे ओवरऑल इंप्रेशन के लिए जो तुम उस इंटरव्यू के ऊपर डालने वाले हो। सो स्पेसिफिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, पहले पार्ट में मैं तुम्हें बोल रहा था प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो कैसे आएगी, बहुत सारी प्रैक्टिस करके आएगी। ठीक है, सो हमें बहुत सारा प्रैक्टिस करना होगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी टाइप की प्रॉब्लम्स का हमें आइडिया हो जाएगा कि यार इस टाइप की प्रॉब्लम के अंदर हम इस तरह से सोचते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम के अंदर हम इस तरह से सोचते हैं। एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हमें याद होने की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट हमें बहुत सारे तरीके पता होंगे कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे तो उससे होगा। सेकेंड चीज जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना इज नॉट इनफ, वी नीड टू गेट टू द राइट सोल्यूशंस। सो जब भी तुम खुद से कोड करते हो तो यार प्लीज हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचो। सिर्फ ये मत सोचो कि मेरा एक ऑनलाइन आईडी है, मैंने सबमिट किया और वो हो गया, दैट्स नॉट इनफ। ऑनलाइन आईडी ने तो सबमिशन हो ले लिया तुम्हारा, ठीक है, मतलब तुम्हारा कोड बढ़िया है, बट कितना अच्छा है। इंटरव्यू में मान लो तुमने बेस्ट सोल्यूशन दे दिया, बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। इंटरव्यू तुमसे पूछेगा कि भाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, और तुम्हें पता होना चाहिए कि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है, सो सिर्फ अच्छे सोल्यूशन निकाल पाना इज नॉट इनफ, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, उसके ऊपर हमें अच्छे से पकड़ होनी चाहिए हमारी कि हम उसको अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। सो दैट इज द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू लुक एट। थर्ड थिंग दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज बेसिकली टेकिंग फीडबैक। देखो जब भी तुम इवेंचुअली कंपनी में काम करते हो, जॉब करते हो, तो तुम अकेले नहीं काम कर रहे हो, तुम्हारे पास आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, तुम्हें बाकी लोगों की सुननी होती है, तुम्हें बाकी लोगों से सीखना होता है। और जब तुम अगर तुम ढंग से सुनते नहीं हो चीज़ों को, तुम ढंग से फीडबैक नहीं लेते हो, तो तुम लोगों की बातें सुनकर खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो दैट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज बीइंग टेस्टेड इन दीज इंटरव्यूज एज वेल। क्या हो रहा होगा, तुम कुछ कर रहे हो, इंटरव्यू तुम्हें हल्का सा हिंट देगा, इससे ये भी हो जाएगा क्या, ये हैंडल हो जाएगा। अब लोग ना दो तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, एक तो क्या करते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं, अरे नहीं नहीं मैंने तो बढ़िया सोचा है, ये तो ऐसे हो ही जाएगा।
दूसरा क्या होता है, लोग उस टाइम पे एक बार पॉज लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इंटरव्यूअर क्या बोल रहा है, फिर या तो इंटरव्यूअर को बोलते हैं नहीं मैंने इसके बारे में सोचा है, आई थिंक ऐसे हैंडल हो जाएगा, डू यू थिंक दैट इज करेक्ट, या फिर बोलेंगे कि अरे थैंक यू सो मच, आई थिंक दिस मेक सेंस, मैं ये कवर नहीं कर रहा था, लेट मी थिंक अबाउट दिस। सो बाय डिफॉल्ट तुम्हारा नेचर ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं डिफेंसिव हो जाऊं, मैं लाइक मैंने जो बनाया है मैं उसको लेके इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गया हूं अब कि तू कुछ फीडबैक देगा तो मैं अपने गार्ड्स खड़े कर लूंगा और मैं तेरे को ढंग से रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी टेक फीडबैक द राइट वे, वी आर एबल टू टेक फीडबैक एंड टेक दैट फीडबैक, टेक दोज हिंट्स एंड मूव टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। देखो इंटरव्यूअर तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऑब्वियसली उसको तो आता है ना, अगर वो तुम्हें कुछ हिंट दे रहा है, कुछ फीडबैक दे रहा है, तो प्लीज उसको लो फटाफट से और आगे की तरफ मूव करो, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सटल होता है बहुत, बट आई हैव सीन मेनी इंटरव्यूअर्स के एंड में नोट्स में लिखा होता है कि ये बंदा फीडबैक को ढंग से रिसेप्टिव नहीं है, ढंग से लेता नहीं है फीडबैक को, और वो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। सो प्लीज इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो फोर्थ थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ इज द कोड क्वालिटी। ये ना जब तक तुम एक्चुअल इंटरव्यूज में नहीं जाते तुम्हें पता नहीं चलता है, ऑनलाइन काम कर करके क्या आदत पड़ गई है कि बस कोड चलना चाहिए, चल गया तो बहुत बढ़िया है, बट उसके अंदर अब जो नाम रखे हुए वेरिएबल्स के वो ए बी सी डी ई आई जे के एल आई वन आई टू आई थ्री के वन के टू के थ्री ये सब चल रहे हैं यार, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। ढंग से कोड लिखना पड़ेगा, इंटरव्यूअर को समझ में आना चाहिए, वेरिएबल नेम अच्छे होने चाहिए, फंक्शंस ढंग से बने होने चाहिए, स्प्लिट करके लिखो जितना ज़्यादा कोड को तुम कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी आसान होगा समझना, उस कोड को समझाना बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए, एंड ओवरऑल रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर एन इंटरव्यूअर टू फील कि तुम रेडी हो एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कोड करने के लिए। अपने लैपटॉप में तो करते रहेंगे, ठीक है, दैट इज ओके, बट एक रियल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तुम्हें कोड क्वालिटी पे तो बहुत अच्छे से काम करना ही होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे लोग इसके अंदर मार खा जाते हैं, अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग की होती है, अच्छे से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता होता है, सब कुछ अच्छे से करते हैं, बट कोड लिखते टाइम वो अपनी खराब आदत को ठीक नहीं कर पाते। खराब आदत कैसे आती है, कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग करते टाइम इतने गंदे गंदे वेरिएबल कोड्स यूज किए होते हैं, स्पीड के चक्कर में बहुत कुछ किया होता है, अब वो एक्चुअल कोड लिखते टाइम हम गड़बड़ करते हैं। यू नीड टू रियलाइज ढंग से करना ज्यादा जरूरी है, एक दो मिनट अगर एक्स्ट्रा भी लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस सिनेरियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरव्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो प्लीज ढंग से अच्छे कोड क्वालिटी के साथ कोड लिखो, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द फोर्थ थिंग दैट इंटरव्यूअर आर लर्नली लुकिंग फॉर। द फिफ्थ पॉइंट इज कि जब हम कोड करते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है जब मैं इंटरव्यू लेता हूं कि यार कोड करेंगे और बोलेंगे सर हो गया बस, राइट, मतलब चेक करके भी नहीं देखा, एक बार भी ड्राई रन करके नहीं देखा, एक बार भी दोबारा पढ़ के नहीं देखा कि यार मैंने जो लिखा है वो ठीक है कि नहीं है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए खुद के ऊपर, है ना, मतलब थोड़ा सा तो एक बार हमें पॉज लेके बोल देना चाहिए कि आई थिंक आई एम डन, लेट मी क्विकली गो थ्रू दिस एंड रिव्यू दिस टेस्ट दिस, बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लीज इसको ढंग से किया करो, ठीक है। इसको भी इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, इंटरव्यूअर्स को, वो देख रहे होते हैं कि तुमने इसको अच्छे से किया कि नहीं किया, कि तुम टेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अदरवाइज क्या होगा ना, इंटरव्यूअर को तुम्हें बताना पड़ेगा अरे देखिए ये एज केस है, इसमें तेरा नहीं चल रहा है ना, इस एज केस में नहीं चलेगा। नाउ दैट इटसेल्फ इज अ बैड इंप्रेशन, राइट, बिकॉज द इंटरव्यूअर थिंकिंग किया है तो बंदा मतलब कोड करके डाल देगा लाइक किसी भी एनवायरमेंट के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर डाल देगा, फिर वेट करेगा या तो टेस्टर मेरे को बता दें या फिर एक्चुअली में फटेगा फिर मैं ठीक करूंगा। तुम कोई कोड लिख रहे हो तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उसको टेस्ट करो, तो प्लीज उसको ढंग से टेस्ट कर लो, तभी हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमें इंटरव्यूअर को बोलना चाहिए कि मेरा काम हो चुका है। ये बोल दो चाहे पहले कि यार मैंने कोड कर दिया है, मैं टेस्ट कर रहा हूं, है ना, बट ये मत करो कि यार मेरा हो गया देख लो बस, है ना, दैट इज रियली रियली बैड। इसके बाद मैं दो चीजें बता रहा हूं तुम्हें सटल सी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जनरली कोई ध्यान नहीं देता है। एक पॉइंट है एटीट्यूड, हम लोग जनरली सोचते नहीं है इतना ज्यादा, बट सामने वाले को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इन चीजों से। एटीट्यूड एज इन जनरल, आर यू बीइंग अ लिटिल नाइस, आर यू बीइंग हम्बल और नॉट, राइट, लाइक आर यू फॉर एग्जांपल सेइंग थिंग्स लाइक कि यार ये तो बहुत आसान है, या फिर लाइक सेइंग थिंग्स लाइक कि मेरी करंट टीम में तो लोग कुछ आता नहीं है इसलिए मैं चेंज करना चाहता हूँ, सो दैट दीज आर सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट यू से विच माइट बी ट्रू, बट यू नीड टू फाइंड नाइस वेज टू से दिस। ढंग से बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो अगर कोई भी मेरे को बोलता है ना कि यार मेरी करंट कंपनी तो बहुत ही बकवास है,
एंड मेरी करंट कंपनी में ये प्रॉब्लम है, पिछली कंपनी में ये प्रॉब्लम थी, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है मेरे लिए, बिकॉज एक कंपनी है जो चल रही है राइट, एक और इससे पिछली कंपनी थी जो चल रही थी, और तुम्हें हर जगह पे प्रॉब्लम है, तो देर इज अ चांस, मैं नहीं बोल रहा हूँ हो सकता है कंपनी खराब हो, बट देर इज अ चांस कि तुम में प्रॉब्लम हो, है ना, देन आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. सो ये जो एटीट्यूड हम दिखाते हैं राइट, लाइक इट्स वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट हाउ वी आर बिहेविंग इन द इंटरव्यू, वट सॉर्ट ऑफ वट एवर वी आर सेइंग, वी नीड टू कीप इन माइंड दैट वी नीड टू से इट नाइसली राइट. एंड एटीट्यूड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यार मुझसे तो नहीं हो रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट दे दो, क्यों दे दूं मैं नेक्स्ट, मुझे ये करवाना है, कर भाई बैठ के, है ना. सो यू नीड टू गिव अप कर देने वाला एटीट्यूड या फिर बहुत नेगेटिव एटीट्यूड, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है एंड बहुत सारे इंटरव्यूअर्स इस वजह से भी फेल कर देते हैं, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली फेयर, कर देना चाहिए, बिकॉज फाइनली एक बंदे को बहुत कुछ आता है, बहुत बढ़िया है, बट काम तो उसे करना पड़ेगा ना बाकी लोगों के साथ. सो अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं है तो दैट्स गोना बी अ बिग प्रॉब्लम. द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज डू यू हैव इंटरेस्ट इन द कंपनी दैट यू आर इंटरव्यूइंग फॉर. स्टार्टअप्स को तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बड़ी कंपनीज को भी बहुत फर्क पड़ता है, स्टार्टअप्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे कि भाई क्यों अप्लाई कर रहे हो मेरे पास, क्या रीजन है, सिर्फ पैसा ज्यादा चाहिए, या तुम्हें मेरे काम में कुछ इंटरेस्ट है, या तुम्हें छोटी किसी स्टार्टअप में काम करना है, किसी बड़ी कंपनी में काम करना है, तुम्हें एजुकेशन में काम, कोई रीजन है क्या तुम्हारे पास कि तुम मेरे पास अप्लाई करो. हो सकता है नहीं भी हो, बट थोड़ा सोच के जाओ कि तुम क्यों करना चाहते हो यहाँ पे काम, एंड थोड़ा नाइस थोड़ा अच्छा आंसर निकाल लो, बिकॉज इफ यू हैव रियल इंटरेस्ट इन द कंपनी दैट रियली हेल्प्स, एज आई एम सेइंग राइट, लाइक अगर तुम्हें एक्चुअल पैशन है ना, एक्चुअल इंटरेस्ट है उस कंपनी में काम करने का, तो उस कंपनी के लिए भी वो बहुत पॉजिटिव है कि यार ये बंदा बहुत एंथू है, बहुत एक्साइटेड है हमारे साथ काम करने के लिए, इसको कंसिडर कर लेते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग इज ऑन दिस पॉइंट, हैविंग द राइट क्वेश्चंस टू आस्क एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, हैविंग द राइट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंपनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एंड अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई टू दिस कंपनी, इसके ऐसी चीज़ों का आंसर हमारे पास होना चाहिए, हमारे पास आंसर होना चाहिए कि कंपनी के बारे में थोड़ा पता करके जाओ पहले से, to show that you are actually enthu about this company, तुम्हें इस कंपनी में actually interest है. ये again एक factor है जो कि interviewers को देखते हैं वो लोग हमेशा, whether that is something that they score you or not, right? देखो सब कुछ basically ये कोई मशीन तो है नहीं है, interviewer है जो तुम्हें rate करेगा, तो ये सब चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा impact पड़ जाता है उनके perception पे, in terms of how their उनका perception तुम्हारी तरफ क्या है उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है. सो इसका बहुत ज़्यादा हमें ध्यान रखना पड़ेगा. अब अगर तुम सोचोगे तो मैंने तुम्हें बेसिकली इन सात चीज़ों में चार चीज़ें थोड़ी टेक्निकल बोली हैं, राइट, लाइक व्हाट आर दोज फोर थिंग्स, वन थिंग आई एम सेइंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वर्क करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइजेशन हमारी अच्छी होनी चाहिए, कोड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारा टेस्टिंग, बींग एबल टू डीबग आवर कोड, बींग एबल टू फाइंड एज केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड तीन मैंने तुम्हें सॉफ्ट चीज़ें बोली हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हम जनरली नहीं सोचते उनके बारे में. Keeping a positive attitude is very important. Showing strong interest in the company is extremely important. And being able to take feedback and then accordingly change your stance, being able to move towards the right direction is extremely important. Please इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा help करेगी. मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर तुम सोच भी लोगे ना दिमाग में, कहीं लिख भी लोगे कि मेरे को इन सात चीज़ों का ध्यान रखना है, पहली तीन चार चीज़ें while I'm solving a problem, फिर बेसिकली मेरे को अगर कोई मुझसे एटीट्यूड वाले एचआर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो मुझे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, मुझे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने हैं, इन सब चीज़ों का अगर तुम ध्यान रखोगे तो ओवरऑल चांसेस ऑफ यू क्लियरिंग दोज इंटरव्यूज विल बिकम फार हायर. ओके, थैंक यू सो मच. आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दो, अपने दोस्तों का शेयर कर दो, एंड ऑल्सो अगर तुम्हें लगता है कि कुछ मैंने मिस किया है तो प्लीज़ कॉमेंट भी कर दो, एंड डिस्कस करते हैं कॉमेंट बॉक्स में. ओके, थैंक यू.